नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपीएड प्लस सी एजीटीए 2024 के लिए एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूं और यह एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस की 16वीं क्लास है। इसके पहले 15 क्लासेस कंप्लीट करा दी गई हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं दोस्तों इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 13 से। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पर ओरोबैंकी खरपतवार किस फसल से संबंधित है, यहाँ पर आपको आंसर देना है दोस्तों। तो 13 का आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, तो राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरसों तंबाकू। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा, ओरोबैंकी खरपतवार सरसों तंबाकू फसल से संबंधित है और यह एक पूर्ण जड़ परजीवी है, टोटल रूट पैरासाइट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक एमाइड और जैविक उर्वरक के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए दोस्तों, क्या बनेगा, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यूरिया। यूरिया के सूत्र की बात करें तो NH2CO NH2 है। यह सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला नाइट्रोजन उर्वरक है, इसमें नाइट्रोजन एमाइड ग्रुप के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला, गहरी जड़ प्रणाली वाला फसल चक्र चुनिए, तो राइट आंसर आपको देना है क्वेश्चन नंबर 18 का, तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, सुगर कैन, सनफ्लावर, कास्टर। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, कृषि विकास में प्रसार शिक्षा की भूमिका मुख्यतः है, इनमें से कौन सी है, तो राइट आंसर क्या बनेगा यहाँ पे दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्प्रेरकी है। क्वेश्चन नंबर अगला, ऑपरेशन होल्डिंग से क्या अभिप्राय है, तो क्वेश्चन 21 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नेट लैंड एरिया कल्टीवेटेड बाय फार्मर्स। क्वेश्चन नंबर अगला है, सामान्य रोटी गेहूं जिसमें 2N = 42 एक है, तो यहाँ पर आपको आंसर देना है दोस्तों, तो कॉमन ब्रेड व्हीट आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, हेक्साप्लॉयड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, सीधे बीजित धान में खरपतवार प्रबंधन के लिए एक हालिया रोकथाम उपाय के रूप में निम्नलिखित में से माना गया है, इनमें से कौन सा है, आपको आंसर देना है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बीज परभक्षण, सीड प्रीडेशंस। क्वेश्चन नंबर अगला, गेहूं का मामा खरपतवार किस परिवार से है, फेलिस माइनर वीड बिलोंग टू द फैमिली, तो फैमिली आपको बताना है, तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेमनी फैमिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ओजोन परत के क्षय के कारण क्या है, तो 26 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पराबैंगनी विकिरण धरती पर पहुंचती है। क्वेश्चन नंबर अगला है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक रोगाणु रोधक के साथ जानवरों में संक्रमणों के कुल प्रकारों के उपचारित करने के लिए प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पर आंसर आप लोग दीजिए, इसका सही आंसर क्या बनेगा, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बोरिक अम्ल। इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है, एक उन्नत किस्म का प्रारंभिक बीज किस नाम से जाना जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या बनेगा, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूक्लियस सीड, नाभिकीय बीज के नाम से जाना जाता है। एक उन्नत किस्म का प्रारंभिक बीज नाभिकीय बीज के नाम से जाना जाता है, यह बीज बहुत ही अल्प मात्रा में प्राप्त होते हैं और इससे वर्धन करके प्रजनक बीज ब्रीडर सीड तैयार किया जाता है और ब्रीडर सीड से आधारी बीज तैयार किया जाता है जो कि ज़्यादा मात्रा बढ़ाने के लिए किया जाता है और आधारी बीज से रजिस्टर्ड सीड तैयार किया जाता है, भारत में यही बीज वर्ग प्रचलन में है, तो ऑप्शन सी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मास्टाइटिस दुधारू पशुओं का एक संक्रमण रोग है जो मुख्यतः किसको प्रभावित करता है, तो 32 का आंसर यहाँ पर आप लोग दीजिए क्या बनेगा दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रेस्ट को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है, तो कास्टिक सोडा के रूप में किसे जाना जाता है, तो आपको आंसर देना है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, बीटी कपास एक अनुवांशिक रूप से परिवर्तित कपास किस्म है जिसमें कीटाणुनाशक सहिष्णु है, कवकनाशी सहिष्णु है, खरपतवारनाशी सहिष्णु है, इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, कीटनाशक सहिष्णु है। क्वेश्चन नंबर
अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन हार्मोन आधारित पादप वृद्धि नियामक PBR को दर्शाता है? तो इनमें से आपको बताना है PBR को इनमें से कौन सा दर्शाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, साइलिसिक अम्ल PBR को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, भ्रूणपोष किसके बीजों में अनुपस्थित है? ऑर्किड, गेहूं, कास्टर, मेज। तो यहाँ पर 39 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑर्किड इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक सामान्यतः एक सोयाबीन बीज में, यहाँ पर आपको फिल करना है, होता है तो जनरली एज सोयाबीन सीड कंटेन आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 20% तेल और 40% प्रोटीन होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, शॉर्ट डे प्लांट्स आर शॉर्ट नाइट प्लांट्स, लॉन्ग नाइट प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स, डे न्यूट्रल प्लांट्स। तो यहाँ पर 46 का आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉन्ग नाइट प्लांट्स, दीर्घ रात्रि पौधे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा कीटनाशी एक वृद्धि हार्मोन के रूप में प्रयुक्त होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए क्या बनेगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर जो बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, 2,4-D। 2,4-D एक कार्बनिक यौगिक है, या मुख्य रूप से ऑक्सीन का संश्लेषित रूप है, जो 20 PPM से ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करने पर सिस्टमेटिक हर्बिसाइड के रूप में कार्य करता है। इसका प्रयोग पोस्ट इमरजेंस के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, BGA किसके उत्पादन के लिए आवश्यक है? तो BGA आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, BGA धान के उत्पादन के लिए आवश्यक है। नील हरे शैवाल, एजोला, एनाबीना तीनों का धान में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह सहजीवी होता है और खेत में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। राइजोबियम दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रोटीन किससे बने जटिल यौगिक हैं, जैविक यौगिक हैं? तो राइट आंसर 51 का आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अमीनो अम्ल। प्रोटीन अमीनो अम्ल से बने जटिल जैविक यौगिक हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, DUS परीक्षण किसके परीक्षण के लिए हैं? सिंचाई, फसल किस्मों से भिन्नता, पशु किस्में, दूध की शुद्धता। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी, फसल किस्मों। क्वेश्चन नंबर 53 है, वह जीवाणु जो लेग्यूम के मूल की गांठों में स्थित होने के बाद नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। ऑप्शन ए दिया गया है माइकोराइजा, ऑप्शन बी है एक्टिनोमाइसिटीज, ऑप्शन सी है बेसिलस, ऑप्शन डी है राइजोबियम। तो यहाँ पर 53 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, राइजोबियम इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। राइजोबियम जीवाणु दलहनी फसलों के जड़ों में गांठों में स्थित रहता है और वातावरण की स्वतंत्र नाइट्रोजन को अपने अंदर एकत्रित कर अपना जीवन चक्र समाप्त होने पर भूमि में औसतन 50 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर का योगदान करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग महाराष्ट्र में किस फल की फसल के लिए एक प्रवर्धन तकनीकी है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा, आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मैंगो इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, रेशे से तना अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा रेटिंग कहते हैं दोस्तों, रेटिंग यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बीजों में बसंतीकरण का स्थान है? ऑप्शन ए है मूल, ऑप्शन बी है बीजावरण, ऑप्शन सी है प्रांकुर और ऑप्शन डी है उक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर बनेगा सी, प्रांकुर इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक खाद का एक उदाहरण है? तो जैविक खाद का इनमें से कौन सा उदाहरण है आपको यहाँ पर आंसर देना है दोस्तों, आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यूरिया। यूरिया यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। यह सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला नाइट्रोजन उर्वरक है। इसमें नाइट्रोजन एमाइड ग्रुप के रूप में पाया जाता है और इसकी संरचना कार्बनिक रूप में होती है और इसलिए इसे एमाइड कार्बनिक उर्वरक कहते हैं। इसमें 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। यह प्रकृति में नमी सोखने वाला होता है, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, पेक्टिन की मात्रा किसके द्वारा मापी जा सकती है?
ऑप्शन ए है ड्रॉप परीक्षण के द्वारा, एल्कोहल परीक्षण के द्वारा, सीट परीक्षण के द्वारा, टेट्राजोलियम परीक्षण के द्वारा। तो 79 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्कोहल टेस्ट के द्वारा मापी जा सकती है पेक्टिन की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल प्रयोग क्षमता किस में अधिकतम है? C3 पौधे में, C4 पौधे में, कैम पौधे में, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर 81 का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों, क्या बनेगा? तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी, कैम प्लांट में, कैम पौधे में अधिकतम होती है। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, कैम पौधों की जल प्रयोग क्षमता सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खाद नाइट्रोजन क्षमता है, तो माइनर एफिशिएंसीज, यहाँ पर 83 का आंसर आप लोग देना है। आप लोग दीजिए इसका सही जवाब क्या बनेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का, फसल उपलब्ध नाइट्रोजन प्लस फसल को उपलब्ध खनिजकृत नाइट्रोजन का भाग, ऑप्शन डी सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, यहाँ पर लाल बाल इल्ली का वैज्ञानिक नाम है, तो लाल बाल इल्ली का वैज्ञानिक नाम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एम्सेक्टा एल्बिस टी ट्राइगा, ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्टूलिंग किसके लिए एक महत्वपूर्ण अलैंगिक प्रवर्धन तकनीक है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 86 का यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्वावा अमरूद इसका सही जवाब बनेगा। इसमें पौधे के तने के चारों तरफ 25 से 30 सेमी ऊंची मिट्टी चढ़ा दी जाती है, और जब निकले हुए नए प्ररोह काफ़ी बड़े हो जाते हैं तो जड़ सहित निकालकर अलग कर दिए जाते हैं। इसको अमरूद, नाशपाती, गूजबेरी में प्रयोग में लाते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समान प्रकार के अणुओं को बांधने वाला आकर्षण बल को क्या कहते हैं दोस्तों? तो यहाँ पर इसका आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसंजन बल कहते हैं, कोहेंसन इसका सही जवाब हो जाएगा। संसंजन बल किसी एक ही तत्व का पदार्थ के अणुओं के मध्य, अर्थात समान अणुओं के मध्य लगने वाले बल को संसंजन बल कहते हैं दोस्तों, जैसे अंतरा आणविक बल। और आसंजन बल की बात करें, ऑप्शन ए में दिया गया है। आसंजन बल क्या होता है? किसी दो तत्वों का पदार्थों के मध्य अर्थात असमान अणुओं के मध्य लगने वाले बल को आसंजन बल कहते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नाइट्रिफिकेशन किसका जैविक उपचयन है? नाइट्रिफिकेशन इज द बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ। तो 89 का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अमोनिया टू नाइट्रेट, अमोनिया से नाइट्रेट में इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा तिलहन उत्पादन बढ़ाने में केंद्र सरकार की मुख्य योजना है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑल उपयुक्त सभी हो जाएगा, आइसोपोम, TBOs, NSOOP, ये सभी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आइसोपोम की बात करें तो इसके फुल फॉर्म इसका क्या होता है दोस्तों? इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ ऑयल सीड पल्स ऑयल पाम एंड मेज, इसका फुल फॉर्म होता है। TBOs का फुल फॉर्म की बात करें तो ट्री बोर्न ऑयल सीड होता है। NMOOP का फुल फॉर्म की बात करें तो N मीन्स होता है नेशनल, M मीन्स मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम, ये सभी केंद्र सरकार द्वारा तेल उत्पादन को बढ़ाने के लिए चलाई गई योजना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से कौन से जैविक रूप से आवश्यक न्यून तत्वों में माने जाते हैं? तो यहाँ पर न्यून तत्वों में इनमें से कौन से माने जाते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कापर, क्रोमियम और जिंक, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्राउन गाल रोग का कारक है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग आंसर दीजिए। 92 का आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमी फेसिंग, इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत का पूर्णतः जैविक राज्य घोषित किया गया प्रथम राज्य इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम, इसका सही जवाब हो जाएगा। सिक्किम भारत का पहला पूर्णतः जैविक राज्य है, इसे 2016 में भारत का एकमात्र पूर्णतः जैविक राज्य घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, LD50 की इकाई क्या है?
व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ LD50? तो LD50 आपको बताना है, इसका सही आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पशु शरीर भार का मिलीग्राम प्रति किलोग्राम, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। LD का मीन्स होता है, एल मीन्स होता है दोस्तों लीथल, और डी मीन्स डोज होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संबंधित खरपतवार है, रिलेटिव बीड्स आर, रिलेटिव बीड आपको बताना है, इनमें से रिलेटिव बीड्स क्या होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 99 का आप लोग आंसर दीजिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अन्य फसलों के पौधे रिलेटिव बीड्स होते हैं दोस्तों, प्लांट्स ऑफ अदर क्रॉप, अदर क्रॉप के जो पौधे होते हैं वो रिलेटिव बीड्स कहलाते हैं, संबंधित खरपतवार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत्तिका खनिज का 2:1 प्रकार नहीं है। तो यहां पर आंसर दीजिए दोस्तों, इसका राइट जवाब क्या बनेगा, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केओलिनाइट, केओलिनाइट इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि केओलिनाइट का जो रेशियो होता है 1:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर भारतीय कृषि जैव तकनीकी संस्थान में स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो 103 का आंसर आप लोग दीजिए, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का, रांची झारखंड में स्थित है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, किस फसल को उभय द्विगुणित जाना जाता है, मेज, राइस, व्हीट, पी। तो यहाँ पर 104 का जो आंसर होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 104 का सी हो जाएगा, व्हीट, गेहूं इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जिंक सल्फेट किसी भी समय किसके साथ नहीं मिलाना चाहिए, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो आप लोग इसका आंसर दीजिए, तो राइट आंसर हो जाएगा DAP, जिंक सल्फेट को किसी भी समय DAP के साथ नहीं मिलाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गेहूँ की पत्ती का गेरुआ रोग किसके कारण होता है दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फंगल डिजीज, कवक रोग, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, TDN का विस्तार है, तो TDN स्टैंड फॉर, आपको यहां पर इसका आंसर देना है दोस्तों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा TDN का, ऑप्शन ए इसका सही जवाब बनेगा, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट, सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।